थ्री की रूल्स दैट आर गोइंग टू मेक यू अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो क्या है वो तीन रूल्स देखते हैं। नंबर वन है मनी मैनेजमेंट। तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, जिसपे मैं लेटेस्ट कुछ ना कुछ नया वीडियोस लेके आता हूँ। तो शुरू करते हैं। मार्केट में 5% ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिट करते हैं, 95% हैं जो लॉस करते हैं। रीज़न ये हैं कि ना ही कोई सिस्टम फॉलो करते हैं, ना ही कोई रूल बनाए हैं, वो हाइप में ट्रेडिंग कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट वर्ड सेक्सी साउंड करता है, इसके लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं। उनको चार लोगों के बीच में बड़े बड़े वर्ड्स बोले हैं, ऑप्शन, गामा, थीटा, ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स सुन के वो सोचते हैं, अरे यार ये नहीं करूँगा तो मैं तो सोसाइटी में पीछे रह जाऊँगा। पीयर प्रेशर में ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऐसे पैसा नहीं बनता है दोस्त। पैसा बनाना है तो सिस्टम है। सिस्टम के लिए स्ट्रैटेजीज की वीडियोस मैं आने वाले टाइम पे डालने वाला हूँ। तो मैंने बोला पहले आप लोगों को बेसिक रूल्स की बात की जाए कि रूल्स क्या होने चाहिए सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ और मेरे क्लाइंट्स को भी फॉलो करने की एडवाइस देता हूँ। नंबर वन है मनी मैनेजमेंट। यहाँ पे सिंपल सा एक ही हिसाब दिया हुआ है कि अगर आपके पास जो पैसा है, एक ही ट्रेड में सारा पैसा लगाना नहीं है, एक ही कंपनी के शेयर में सारा पैसा लगाना नहीं है। ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर मनी, ऑलवेज 10, 20, 5 नंबर से डिवाइड करो और उतने अलग अलग स्टॉक में डालो। बड़ों ने कहा है, नेवर पुट योर ऑल एग्स इनटू वन बास्केट। तो हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करना है। अगर आपके पास लाख रुपए का कैपिटल है, आप उसको डिवाइड बाय 10 कीजिए, हर शेयर्स में 10-10 हज़ार रुपये डालिए, जिससे एक ही शेयर्स के ऊपर नीचे होने से आपका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा। अगर आपने एक ही कंपनी का शेयर ले लिया, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, आपने ले लिया ICICI बैंक का शेयर, और अगर कोई गवर्नेंस, कोई RBI ने रूल पास कर दिया और वहाँ पे अगर कुछ बुरी न्यूज़ आती है तो बैंक 20% डाउन हो जाएंगे। आपका 1 लाख हो गया 80 हज़ार। उसी केस में अगर आपने बांट के लिया होता तो आपके पोर्टफोलियो में एक या दो बैंक्स के शेयर होते, बाकी अलग कंपनी के शेयर होते। यहाँ पे लॉस होगा भी तो 3-4 हज़ार का होगा, बाकी शेयर्स आपको प्रॉफिट करके कवर कर देंगे। तो ये है मेजर रूल जो आपको फॉलो करना है। सेकेंड रूल है रिस्क एंड रिवॉर्ड। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो रिस्क एंड रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज अगर समझ लीजिए आप 10% का रिस्क ले रहे हैं और 5% का रिवॉर्ड का टारगेट रख रहे हैं, तो आपने एक लॉस किया, उसको कवर करने के लिए आपको 2 प्रॉफिट के ट्रेड मारने होंगे और ब्रोकरेज कार्ड कुटा के आप ओवरऑल लॉस में ही निकलोगे। तो आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा अच्छा रखना है। फॉर एग्जांपल 3% का अगर मेरा लॉस है तो 10% का मैं प्रॉफिट का टारगेट रखूँ, या 5% का लॉस है तो मैं 10% का प्रॉफिट का टारगेट रखूँ, कुछ इस तरीके से। क्यों? क्योंकि अगर मेरा 2 या 3 लॉस होता है तो 1 या 2 प्रॉफिट में मैं सारा प्रॉफिट से लॉस को मैं कवर कर लूँ। तो कहने का है यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड का भी काफ़ी अहमियत है, आप छोटे से प्रॉफिट के लिए बड़ा रिस्क ना लें। तीसरा जो सबसे मेन रूल है, और ये रूल मैं काफ़ी लोगों को बताता हूँ, वो समझ नहीं पाते। सभी को लगता है कि वो इमोशनली स्ट्रांग है मार्केट में, बट कोई स्ट्रांग होता नहीं है। अभी इसका मैं लाइव एग्जांपल बताता हूँ आपको। अभी कुछ ट्रेड में कैसा होता है, इमोशनल डिसिप्लिन ये कहता है कि आप एक बार ट्रेड ले लिए, टारगेट स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके बाद में आप चिल मार के बैठिए, या तो टारगेट हिट होगा या तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। बिकॉज ये जो भी ट्रेडिंग का फंडा है, ये लार्ज नंबर पे काम करता है, ये एक दो ट्रेड्स के ऊपर से डिसाइड नहीं होता कि स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल है कि नहीं। अभी कुछ केसेस में देखिए ऐसे हुआ है। एक केस ऐसा है, मैंने टारगेट लगाया, स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में टारगेट हिट हुआ, तो मेरा तो लॉस बुक हो गया। तो मैं अगली बार क्या करूँगा, इमोशन में आऊँगा और मैं स्टॉप लॉस ही नहीं लगाऊंगा, और उस दिन मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। कुछ केसेस में क्या होगा, टारगेट हिट हो गया और उसके बाद मार्केट बहुत ऊपर गया, मैं अगली बार टारगेट ही नहीं लगाऊंगा, तो उस दिन मार्केट टारगेट को टच करके फिर नीचे आ जाएगा। तो इमोशंस हमेशा बर्बाद करते हैं। आप लोग खुद एनालिसिस कीजिए, खुद को एक बार आप लोग गृहमान में झांक के देखिए कि आप लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि नहीं। जब जब किसी ने पेपर ट्रेड पे स्टडी की है, हमेशा पैसा बनाया है। ऐसा क्या है, एक्चुअल मार्केट में आते ही लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा पैसा लगा है। पैसा लगा है तो हमारा मनी रिलेटेड इमोशन भी लगा हुआ है। तो वो इमोशन पे काबू जब तक नहीं पाएंगे, मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने यहाँ पे 3 रूल बनाए। नंबर 1 रूल मैंने बोला मनी मैनेजमेंट, नंबर 2 रूल मैंने बोला रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, नंबर 3 मैंने बोला इमोशनल डिसिप्लिन। ये 3 रूल्स जो फॉलो करेगा, भले रिटर्न्स कम बनाए बट लॉस नहीं करेंगे, और लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, मैं हमेशा ये वर्ड यूज़ करता हूँ। क्यों? आप है ना कैपिटल बचा के ट्रेड कीजिए। जैसे अगर मैं क्रिकेट का एग्जांपल लूँ, आप बैटिंग कर रहे हैं,
अभी वहाँ पे अगर जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहा है अगर या फिर कोई एग्रेसिव बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो वहाँ पे हम हिट मारने नहीं जाएंगे, हम वहाँ पे हमको बचा विकेट बचा के चलेंगे। तो विकेट बचा के चलेंगे और जैसे ही कोई लूज़ बॉलर आएगा या फिर पावर प्ले आएगा हम मार के रन बना लेंगे। वैसे ही मार्केट में है, जब मार्केट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग के बाहर चल रहा है ना, मैं कैपिटल बचा के ट्रेडिंग करूँगा। और जब मुझे मौका मिला कि अरे मार्केट अब मुझे समझ में आ रहा है ये तो मार्केट वन साइड या फिर चौपी चलने वाला है, वहाँ पे मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बनाऊँगा। तो कैपिटल बचाइए, 3 रूल फॉलो कीजिए, पैसा लॉन्ग टर्म में हमेशा बनेगा और ट्रेडिंग में भी स्लोली स्लोली हमें ग्रोथ मिलेगी। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फाल्कन फिन और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।